कोविड वैक्सीनेशन के लिए जिला हमीरपुर में कवायद तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन के द्वारा विदेश जाने वाले लोगों के लिए विशेष कैंप का आयोजन बचत भवन हमीरपुर में किया गया, जिसमें काफी संख्या में विदेश जाने वाले लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कोविड वैक्सीनेशन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सुबह से लेकर दोपहर तक लोगों ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भाग लिया। वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। वैक्सीनेशन प्रक्रिया में पहुंचे युवाओं ने बताया कि विदेश जाने के लिए आज टीकाकरण लगवाने के लिए बचत भवन आए हुए हैं। उन्होंने प्रशासन का बचत भवन हमीरपुर में विदेश जाने वाले लोगों के लिए कैंप लगाने पर आभार व्यक्त किया। मेरा नाम रचित कुमार है, मैं हमीरपुर का ही रहने वाला हूँ और मैं अभी फॉरन ट्रैवल करने वाला हूँ। मैं एक्चुअली मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ, तो मुझे फर्स्ट डोज 17th of May में लगी थी और हम लोग वेट कर रहे थे कि सेकेंड डोज लगे ताकि हम लोग फॉरन ट्रैवल कर सकें, क्योंकि हम लोगों को बाहर ही जाके काम करना पड़ता है एक्चुअली। तो हम लोग धन्यवाद करते हैं हिमाचल सरकार और भारत सरकार का कि उन्होंने एक स्पेशल कैंप रखा हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग बिफोर 84 डेज हम लोग ये वैक्सीनेशन ले सकें और हम लोग अपने काम पे जा सकें, क्योंकि हम सबका जो जॉब जो था एट स्टेक था, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे। हमारी कंपनीज भी हम लोगों को पुश कर रही थी कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लो, तो आज हमारे लिए एक स्पेशल कैंप लगाया है, तो हम लोगों को खुशी है ताकि हम लोग अब अपनी जॉब्स के लिए प्रोसीड कर सकते हैं जल्द से जल्द। बाकी लोगों से भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि कोविड के जो नियम हैं उनका पालन करें और मास्क लगा के रखें और जल्दी से जल्दी जागरूक रहें और जल्दी से जल्दी आके अपने अपनी सेकेंड डोज फर्स्ट डोज जैसे भी उनको मिलता है सीएम ऑफिस से या पोर्टल से अपनी सेकेंड और फर्स्ट डोज जल्दी से जल्दी लें, ताकि हम लोग कोरोना मुक्त हो सकें और अपने अपने काम को नॉर्मली अपनी लाइफ को चला सकें। थैंक यू। प्रियंका ठाकुर है, मेरे को फर्स्ट डोज लग चुकी है। यहाँ पे मेरे को फॉरेन कंट्री जाना है स्पेशली स्टडीज़ के लिए, तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्पेशली कैंप ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे, और वैक्सीनेशन लगवाने से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और जितना हो सके अधिक से अधिक हमें लोगों को बोलना चाहिए कि वैक्सीनेशन लगवाओ। और क्या बोलते हैं, वैसे भी इस महामारी में हमें लोगों को जानकारी देनी चाहिए कि सेफ रहें और वैक्सीनेशन से बिल्कुल भी मत डरो, लोग चाहे कुछ भी बोले, क्योंकि कुछ नहीं होता, डरने की तो बिल्कुल बात ही नहीं है। और जब हम वैक्सीनेशन लगाते हैं तो पता भी नहीं चलता कि हाँ वैक्सीनेशन लगी है, और गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्पेशली कैंप ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए हम स्पेशली थैंक्स बोलते हैं गवर्नमेंट के लिए, केंद्र के लिए और हिमाचल प्रदेश के सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी वैक्सीनेशन सेकेंड डोज लगी है और मैं बाहर पढ़ती हूँ, फॉरेन कंट्री में पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए है, क्योंकि हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। और मैं केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार के लिए का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया। हमें वैक्सीनेशन से घबराना नहीं चाहिए, ये सभी लोगों को लगवाना चाहिए ताकि हमारी इससे इम्यूनिटी बूस्ट हो और हमें कोरोना से बचे रहे और ये हमें कोरोना से बचाने में हेल्प करे और इसमें हमारी इम्यूनिटी बनती है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें डर भी नहीं होता, सब सही है। मेरा नाम निखिल कुमार है, मैं जर्मनी जा रहा हूँ अगले महीने, तो मेरे को फर्स्ट डोज लगी थी पहले कोविशील्ड की, अभी सेकंड डोज के लिए यहाँ पे सरकार ने अच्छा कैंप एक लगाया है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आया था सेकंड डोज के लिए। अभी अच्छे ढंग से इन्होंने सेकंड डोज लगा दी और आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर सरकार ने अच्छा एक कैंप ऑर्गेनाइज कराया हमारे लिए, हमारे बारे में सोचा, तो सरकार का और जो स्पेशली जो यहाँ पे लोग बैठे हैं हेल्थ वर्कर्स उनका। वहीं वैक्सीनेशन अधिकारी डॉक्टर रमेश रत्तू ने बताया कि विदेश जाने वाले लोगों के लिए दूसरी डोज लगाई जा रही है और विशेष कैंप लगाकर बचत भवन में सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को दूसरी डोज यहां पे लगाई जा रही है जो कि विदेश जाने वाले हैं। सर, आज हमने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में बचत भवन डीसी ऑफिस में जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके सेकंड डोज के लिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आफ्टर 28 डेज लगाया जा सकता है, उसके तहत कैंप लगाया हुआ है, काफ़ी लोग हमारे पास आए हुए हैं और काफ़ी और भी आ रहे हैं। मैं डॉक्टर रमेश कुमार रत्तू, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन अफसर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। ठीक है।